Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian news bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV. कनाडा में मुजाहिरों के सबब दारुल हुकूमत में इमरजेंसी नाफेज मुजाहिरों का सिलसिला मुल्क के दीगर शहरों में भी फैल गया प्रीमियर ऑन्टेरियो का कहना है कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर है बेजिंग ओलंपिक्स में कैनेडियन एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी कैंसर को शिकस्त देने वाले एथलीट ने विंटर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया कैनेडियन फ्री स्टाइल स्केर ने चांदी का तमखा अपने नाम किया कनाडा भर में कोरोना वायरस में फैलाव का सिलसिला जारी मरीजों की मजमू तादाद तीस लाख छियानवे हजार दो सौ सत्रह तक जा पहुंची जबकि हलाकते चौतीस हजार तीन सौ इक्यासी हो गई अफगानिस्तान के लिए अच्छी खबर कई पायलट्स वापस आ गए पांचों पायलट्स ने इस अजम का इजहार किया कि वह अफगानिस्तान की ख़िदमत करेंगे तालिबान मुख्तलिफों के माहरीन को अफगानिस्तान वापस लाने के लिए पुरजम अमेरिका में सैकड़ों अफराध का पुलिस के हाथों सिया फाम शहरी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज पाँच सौ के करीब अफराद ने गमेंट प्लाजा के सामने शदीद नारेबाजी की मुजाहन का पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मतालबा लता मंगेशकर की आखिरी रसूम सरकारी एजाज के साथ अदा लता मंगेशकर की आखिरी रसूम में भारतीय वज़ी अजम और बॉलीवुड स्टार्स ने शिरकत की लता मंगेशकर के इंतकाल पर भारत में सरकारी सतह पर दो रोज़ का शोक मनाया जा रहा है दुनिया भर में कोरोना केसेस में तेजी से फैलाव का सिलसिला जारी दुनिया भर में केसेस की तादाद उनतालीस करोड़ से तजावुज कर गई हलाकते सत्तावन लाख उनसठ हजार नौ सौ अस्सी से तजावुज कर गई हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्जॉर्बेशन और हाथ नर्म मुलायम और साफ आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com आटोबा में गुजत एक हफ़्ते से कोरोना पाबंदियों के खिलाफ होने वाले एहतजाज का सिलसिला मुल्क के दीगर शहरों तक फैल गया है जबकि हजारों ट्रकों ने दारुलकूमत में तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कनाडा के हुकूमत ओटावा में कोविड वैक्सीन के खिलाफ हजारों मुजाहन सड़कों पर आ गए ओटावा के मेयर का कहना है कि सूरत हाल पूरी तरह काबू से बाहर है मुजाहरीन कोरोना के तनाजर में इकदाम और वजी जैसिन ट्रूडो की हुकूमत के खिलाफ भी मुजाहरे कर रहे हैं मुजाहन ने आठ दिनों ऐसी ओटावा के मरकजी हिस्से को बंद कर रखा है ऑटोवा में गुजशत एक हफ्ते से कोरोना पाबंदियों के खिलाफ होने वाले एहतजाज का सिलसिला मुल्क के दीगर शहरों तक फैल गया है जबकि हजारों ट्रकों ने दारुल हुकूमत में तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन के हवाले से जारी होने वाली नई क्रॉस बॉर्डर हिदयात के खिलाफ ओटावा से शुरू होने वाले मुजाहरों ने मुख्तलिफ शहरों को अपनी लपेट में ले लिया है और दीगर अफराद भी उन मुजाहरों में शिरकत कर रहे हैं पुलिस सरबराह के मुताबिक दारुलकूमत में पाँच हज़ार अफराद की जानिब से मुजाहरा किया गया ताहम अब मुजाहरे का दायरा कैनेडा के बड़े शहरों ट्रांटोबैक तक फैल गया है और हजारों मुजाहन ने पुरान एहतजाज शुरू कर दिया है मुजाहरीन का कहना है की हम कोरोना के हवाले ऐसी आयद की जाने वाली पाबंदियों ऐसी तंग आ चुके हैं हम एक बड़ी जेल में कैदी की जिंदगी गुजार रहे है हम वैक्सीन के नाम आरोप जहर को अपनी रगों में उतारने के बजाय नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस लौटना चाहते है कॉन्वॉय के नाम से शुरू होने वाली ये तहरीक हुकूमत की जानब ऐसी क्रॉस बॉडर ट्रक ड्राइवरों के लिए कैनेडियन वैक्सीन की जरूरत के खिलाफ शुरू की गई है कैनेडा के दारुल हुकूमत को तशद के हकी खतरे का सामना है क्योंकि ट्रक सवार काफिला एहतजाज कर रहा है ऑनटेरियो के प्रीमियर डग पोर्ट और ओटावा पुलिस के सरबरा दोनों अब शहर पर कब्जा करार दे रहे हैं पुलिस के अंदाजे के मुताबिक एक हजार तक जवाबी मुजाहरीन और हजारों इजाफी काफिले के हामियों को ओटावा पुलिस के सबिक सरबरा चार्लिस बॉडिलियो ने गैर करार दिया है। कनाडा से ताल्लुक रखने वाले मैक्स पेरट ने चीन के शहर बीजिंग में जारी विंटर ओलंपिक में स्नो बोर्ड के मुकाबले में तलाई तमखा जीत लिया मजीद तफसी रिपोर्ट में कनाडा से ताल्लुक रखने वाले मैक्स पेरट ने चीन के शहर बीजिंग में जारी विंटर ओलंपिक में स्नो बोर्ड के मुकाबले में तलाई तनखा जीत लिया मैक्स पेरोट ने स्नोबोर्ट की स्लो स्टाइल कैटेगरी में चीनी खिलाड़ी को मात देकर ये कामयाबी समेटी मैक्स पेरोट विंटर ओलंपिक्स में सिल्वर विडल भी हासिल कर चुके हैं एथलीट मैक्स पेरोट को दो हजार अठारह के आवाखिर में कैंसर की तशखीस हुई थी जुलाई दो हजार उन्नीस तक बारह मरतबा कीमोथेरेपी के तकलीदा मराहल ऐसी गुजरना पड़ा जिसके बाद उन्होंने बताया की वो अब कैंसर फ्री हो चुके हैं बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में मैक्स पेरोट नब्बे छियानवे की शानदार लैंडेड के साथ खेल का अख्ताम करके पहली पोजीशन हासिल की दूसरे नंबर पर चीन के सो थे जो सिल्वर मेडल के हकदार बने तीसरे नंबर पर मैक्स ब्रिट के हमवतन मार्क मैक मॉर्स थे जो ब्रॉन्स मेडल जीतने में कामयाब हुए गोल्ड मेडल जीतने के बाद मैक्स प्रियोर्ट ने कहा कि गुजश्ता चार सालों में बहुत कुछ जाया हो चुका है लेकिन सबसे अहम बात यह है की मैंने बीमारी के खिलाफ जंग जीत ली मैक्स ने कहा की दौरान इलाज जो तकलीफ बर्दाश्त की वो आज भी नहीं भूल सकता ये तकलीफ मेरी जिंदगी का ड्रानो खाफ है मैक्स प्रियोर्ट ने कहा की गोल्ड मेडल मेरी सख्त मेहनत का जवाब है कैनेडियन फ्री स्टाइल स्केर मिकाइल किंग्स ने 2022 हजार बाईस बीजिंग सोर्मी ओलम्पिक्स में मर्दों के मोगल्स इवेंट में चांदी का तमगा जीता है क्यूबैक से ताल्लुक रखने वाले उनतीस साल खिलाड़ी ने हफ्ते के रोज जेनेटिंग स्नो पार्क में बयासी अशारिया एक आठ के स्कोर के साथ स्वीडन के गोल्ड मेडलिस्ट वॉल्टर वॉलबर्ग के पीछे दूसरी पोजीशन हासिल की जिन्होंने तेरासी अशारिया दो तीन प्वांट्स हासिल किए जापानी स्केयर अकोमा बोरिशिमा ने इक्यासी अशारिया चार आठ पॉइंट्स के साथ कांसी का तमगा हासिल किया किंग्स फ्री दस इक्यासी प्वाइंट के साथ क्वालिफाइंग राउंड में टॉप पोजीशन पर आने के बाद फाइनल में आए थे मर्दों के मॉगल्स में कनाडा का यह तीसरा ओलंपिक तनख्ह और बीजिंग ओलंपिक्स में टीम कनाडा का दूसरा तनख्ह है कनाडा के ओन सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद दस लाख हजार नौ सौ तेईस तक जा पहुँची है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है आखिरी इत्तेलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमू तादाद तीस लाख छियानवे हजार दो सौ सत्रह तक जा पहुँची है जबकि हलाकते चौतीस हजार तीन सौ इक्यासी हो गयी मुल्क भर में अठाईस लाख इक्यासी हजार तीन सौ चौवालीस ऐसी मरीज सेहत याब हो चुके हैं कैनेडा के ऑन्टेरियो सूबे में कोरोना केसेज की तादाद सबसे ज्यादा है सूबे भर में कोरोना वायरस ऐसी मुतासर होने वालों की तादाद दस लाख तैतालीस हजार नौ सौ तेईस तक जा पहुँची है जबकि हलाकतों की तादाद ग्यारह हजार छह सौ इक्कावन है कैनेडा में कोरोना वायरस के सब सबसे ज्यादा हलाकते क्यूबैक सूबे में हुई है सूबे में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद आठ लाख बहत्तर हजार उनतीस है जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद तेरह हजार तीन सौ अठहत्तर तक पहुँच चुकी है कैनेडियन सूबे अलबटा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है अलबटा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है सूबे में पाँच लाख एक हजार तीन सौ सैतालीस वायरस मुतासर हुए हैं जबकि तीन हजार छह सौ आठ अफराद हलाक हो चुके हैं ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद तीन लाख उनतीस हजार एक सौ तैतालीस है जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद दो हजार छह सौ छप्पन है अफगान वजीर दिफा मौलवी मोहम्मद याकूब की दावत पर अफगानिस्तान छोड़कर कर मुख्तलिफ जाने वाले पांच पायलट अफगानिस्तान पहुंच गए इस हवाले से मजीद जानते हैं अफगानिस्तान से तालिबान के आने के बाद भागने वाले मुताद पायलट वापस मुल्क पहुँच गए तफसलत के मुताबिक अफगान वजी दिफा मौलवी मोहम्मद याकूब की दावत आरोप अफ़ानिस्तान छोड़कर मुख्तल जाने वाले पाँच पायलट अफगानिस्तान पहुँच गए हैं अफगान वजीर दिफा ने अफगानिस्तान आमद पर पाँचों पायलट का इस्ते किया और उन्हें नकद इनाम भी दिया वजीर दिफा ने वतन लौटने वाले अफगान फिजाइया के पाँचों पायलट्स को यकीन दहानी कराई की वो पूरे इतमान ऐसी अफगानिस्तान में रह कर मुल्क की खिदमत करे पाँचों पायलटों ने इस अजम का इजहार किया कि वो अफगानिस्तान की खिदमत करेंगे वाज रहे है की अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के अहदेदार मुल्क छोड़ कर जाने वाले मुख्तलिफ शोबों के माहरीन से रबता करके उन्हें वतन वापस लाने के मामले पर काम कर रहे हैं वतन छोड़कर जाने वालों को यकीन दिलाया जा रहा है की वो महफूज रहकर अफगानिस्तान में काम कर सकते हैं ख्याल रहे की अफगान वजी दिफा मुला याकूब मुजाहिद अफवान तालिबान के बानी सरबरा मुला मोहम्मद उमर के साहब हैं अमरीकी रियासत मिनीसोडा में सैकड़ों अफराद ने पुलिस के हाथों सिया फॉर्म शहरी के कत्ल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया इस हवाले से मजीद जानते हैं अमरीकी रियासत मिनिसोटा में सैकड़ों अफराध ने पुलिस के हाथों सेहरी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया पाँच सौ के करीब अफराध ने गवर्नमेंट प्लाजा के सामने शदीद नारेबाजी की तीन रोज कबल अमरीकी पुलिस ने बाईस साल शख्स को उसके घर में गोली मार दी थी पुलिस ने मौकाफ अपनाया की मकतूल के घर में तहकीकत की गर्ज से दाखिल हुए मगर उसने पुलिस पर पिस्टल थाम ली एहलकारों ने अपने दिफा के लिए उस पर फायरिंग कर डाली मुजाहन ने अमिर लॉक को गोली मार कर हलाक करने वाले पुलिस अफसर मार्क हैनिमन के खिलाफ मुकदमा चलाने और उनकी बरतरफी का भी मुतालबा किया वाज़े रहे की मीना पुलिस पुलिस की तरफ से जारी की गई एक वीडियो में अमीर लॉक के घर पर छापा मारकर उसे गोली मारते हुए दिखाया गया है कि पुलिस अफसरान सब सवेरे घर में दाखिल होते हैं और कम्बल के नीचे लेटे हुए एक नौजवान सिया को गोली मार हलाक कर देते हैं बरेर की मशहूर गलकारा लता मंगेशकर की आखिरी रसूमा सरकारी एजाज़ के साथ मुंबई में अदा कर दी गई इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे लता को रियासत महाराष्ट्र की जानब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया इस हवाले से मजीद जानते हैं बड़े सगे की मशहूर गुलकारा लता मंगेशकर की आखिरी रसूमा मुंबई में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गयी लता मंगेशकर की आखिरी रसूमा सरकारी एजाज के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में अदा की गयी कई दहाइयों तक बॉलीवुड की हेरोइंस की कई नस्लों को अपनी आवाज देने वाली लता मंगेशकर की आखिरी रसूत में भारतीय वजी अजम नरेंद्र मोदी बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान आमिर खान रणबीर कपूर विद्या बालन समेत दीगर बॉली स्टार ने शिरकत की और लता को खराज अक़ीदत पेश किया लता मंगेशकर के हजारों परिस्तार भी शिवाजी पार्क के बाहर मौजूद थे इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे लता को रियासत महाराष्ट्र की जानब ऐसी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया जिसके बाद लता मंगेशकर के भतीजे ने उनकी आखिरी रसूमात अदा की लता मंगेशकर के इंतकाल भारत में सरकारी सतह पर दो रोज का शोक मनाया जा रहा है और कौमी परचम सरंगू है वाजह रहे की गुजश्ता माह कोरोना वायरस की तशखीस के बाद बानवे साल लता मंगेशकर ब्रिज कैंडी अस्पताल के आई सी यू में जेर इलाज थी उनमें कोरोना वायरस के साथ ही नमोनिया की तशखीस भी हुई थी चंद रोज कबल जेरे इलाज कुलुकारा लता मंगेशकर की तबीयत दोबारा बिगड़ गयी थी जिसके बाद उन्हें तश्वीशनाक हालत में अस्पताल में वेंटिलेटर आरोप मुंतकिल किया गया था ब्रिज कैंडी अस्पताल ऐसी तालु रखने वाले एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रीत पिछले कई वर्षो ऐसी लता मंगेशकर की देखभाल कर रहे थे अमेरिका में कोरोना वायरस के मुतासर अफराद की तादाद सात करोड़ अस्सी लाख सत्रह हज़ार चार सौ दो हो गई है जबकि नौ लाख छब्बीस हज़ार उनतीस हज़ार वायरस से हलाक हो चुके हैं मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में दुनिया भर में कोरोना केसेस में तेजी से फैलाव का सिलसिला जारी है दुनिया भर में केसेस की तादाद उनतालीस करोड़ से तजावज कर गई। दुनिया भर में कोरोना से होने वाली अमवाद की तादाद सत्तावन लाख उनसठ हजार नौ सौ अस्सी कर गई है उनतालीस करोड़ तिरसठ लाख चौहत्तर हजार आठ सौ सत्तर कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं जबकि इकतीस करोड़ इक्यावन लाख सतासी हजार एक सौ नब्बे हो चुके हैं अमरीका में करोना वायरस के मुतासर अफराद की तादाद सात करोड़ अस्सी लाख सत्रह हजार चार सौ दो हो गई है जबकि नौ लाख छब्बीस हजार उनतीस अफराध करोना वायरस ऐसी हलाक हो चुके हैं भारत में कोरोना केसेस की मजमुई तादाद चार करोड़ बाईस लाख बहत्तर हजार चौदह ऐसी जायदे हो गयी जबकि पाँच लाख सतासी हलाकते हो चुकी है तुर्की में कोरोना वायरस ऐसी अमवात अट्ठासी हजार सात सौ चौंतीस तक जा पहुँची है जबकि के केसेस एक करोड़ बाईस लाख अड़तीस हजार पाँच सौ तो एक हो चुके हैं सऊदी अरब इसी फहरिस्त में अड़सठवे नंबर पर पहुंच चुका है जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात आठ हजार नौ सौ चौवन रिपोर्ट हुई है जबकि मुम्लिक में कोरोना मरीजों की तादाद सात लाख आठ हजार आठ सौ सतानवे तक जा पहुँची है टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो ऐसी फिलवना ही मजीद खबरों और के लिए देखते रहिए Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian news bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV.